जाना चाहना, ठीक है, दिल्ली जाना चाहना। फिर उस तो बाद उन्हों का साउथ एरिया जरा है जिते अपने केरला वाले लोग रहते हैं, उन्होंने जरा वो पत्ते के उत्ते चावल पा के खाते हैं, वह बड़ा आ सजनों के बेलियो की हाल, उम्मीद करना कि ठीक होवोगे। तुम देख रहे हो यूट्यूब तो फेसबुक चैनल पंजाबी फूड ब्लॉग, साडा भरा एक नवे ब्लॉग नाल हाजिर है। ब्लॉग बड़ा ही मज़ेदार है, कोशिश करांगा कि तुहानू पसंद आएगा। पहले एक असी वीडियो बनाई सी कि पाकिस्तान दे विच ते इंडिया दे विच फ्रूटां दा की रेट है, ठीक है। तो उस तरह की यह वीडियो बनाने लगे हैं कि पाकिस्तानी जड़े ने वो इंडिया दे फूड नू पसंद करते हैं, तो आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। तो उम्मीद करना कि यह वीडियो तुहानू पसंद आएगी। जी पहले भी लोगों को पूछा है, तो यह भाई को भी पूछने हैं कि खाण पीण के हवाले नाल इंडिया च लोग ज़्यादा अच्छा खाना पसंद करते हैं या किस तरह का खाना पसंद करते हैं, या इन्हों इंडियन की कड़ी डिशा या पाकिस्तानी डिशा पसंद ने। यार अगर गल की जाए ना एशियन कंट्री के हवाले नाल, तो एशियन कंट्री के जो पंजाबी अपने भाई है ना, भावें इंडिया के हो भावें पाकिस्तान के हो, वो सारे ना खाना फूड लवर होंगे ने, ठीक है। देसी खाना ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। बलैती खाना जरा अजकल जरा फास्ट फूड है वो घट वध ही खाते हैं, लेकिन तुम देखा जाए तो जिस तरह अपने पाकिस्तान लाहौर शहर से असं रहने इंटरनेशनल लैवल पर फेमस है, अमेरिका चले जाओ, कैनेडा चले जाओ, लंडन चले जाओ, उसे तुहानू कराइया वाले लभणगे, लाहौर के नाँ तो रेस्टोरेंट होणगे, तो लोग खाना पसंद करते हैं हर जगह पर। उस अलावा पाकिस्तान के तुहानू पता है कि नानचन है, ठीक है, सुबह का नाश्ता पावे सीढ़ियाँ बोंग यह चीज़ा बड़ी शौक नाल खादिया जाती है, और पाकिस्तान की रवायत हैगी और स्पैशली लाहौर की रवायत हैगी है। तो इंडिया की कड़ी चीज़ तुहानू पसंद है, तुहाडा दिल करता है कि काश बार्डर खुले होंदे तो असीं जाके इंडिया च खा। इंडिया फिलहाल असीं कभी गए नहीं, लेकिन कभी जाण दा मौका मिले तो जरूर जावांगे, क्योंकि बड़ा लाइक करने हैगे असीं टूर की कहिंदे टूरिस्ट टूर करना, जिस तरह पाकिस्तान में असीं एक्सपलोर किया है उस तरह असीं इंडिया भी एक्सपलोर करना चाहते, स्पैशली मैं मुंबई जा। हाँ जी भाई जी, क्या हाल है? अलहमदुल्ला यार, जड़ा ना मैं थोड़े को यह मेरा सवाल सी कि असी इंडिया दी इंडिया च गए तो नहीं, लेकिन असी वीडियोस दे विच वेखने हैं कि इंडिया दे विच बहुत फूड लवर ने ते पाकिस्तान दे विच भी ने, तुसी दोवां नू आपस कंपेयर करोगे तो की वेखोगे कि पाकिस्तान दे विच खाने बेहतरीन बनाए जाते हैं, जिहड़ियां गली महल्ले दे विच फूड स्ट्रीट जिन्हों असी कहने वो बेहतरीन बनते हैं, या इंडिया दे विच बंबई दे विच पंजाब दे विच या दिल्ली दे विच किहड़ी जगह नू बेहतरीन ते अच्छे खाने बनते हैं? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों मुल्कों के ना अपना कल्चर है, अपना फूड है, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया का फूड अपनी जगह, वो वहाँ पे मोस्टली मैक्सिमम लोग खाते हैं नॉन वेजिटेरियन खाना, जैसे दाल हो गई, दाल के अंदर काफी वैरायटीज आ गई, अनमोल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बटर चीज हो गई वो भी मजे की होती है, लेकिन हमने कभी एक ट्राई नहीं की। मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग भी जाके इंडिया में इस तरह के चीज वाले बटर वाली चीजें ट्राई करें। सब्जियां भी वो काफी है, सब्जी एक एक सब्जी मैं वही कह रहा हूँ, सब्जियों की एक वरायटी होती है, लेकिन उसके वो रेसिपीज ऐसी बना देते कि हमें खुद पता नहीं चलता कि यार ये इंडिया के फूड स्ट्रीट वाले क्या बना रहे हैं। हम लोग भी अक्सर वीडियो स्क्रॉलिंग फेसबुक पे या यूट्यूब इंस्टाग्राम पे करते हैं, देखते हैं कि काफ़ी फूड आते हैं इंडिया के जो बहुत हमें मज़े के लगते हैं, लेकिन अगर बात करें हमारे कंट्री का तो यार हर मुल्क का अपना फ्लेवर है। हम लोग यहाँ पे मोस्टली हम लोग खाते हैं मटन हो गया, चिकन हो गया, बीफ हो गया, हम तीनों ये खाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर उनका अपना ट्रेडिशन है, वो बीफ नहीं खाते, हम लोग उनकी ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर वो नहीं खाते तो उनका वो अपना मसला है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई इंडियन मुस्लिम्स हैं या कोई नॉन वेज है, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जरूर एक दफ़ा पाकिस्तान जरूर लाहौर स्ट्रीट फूड को आप लोग एक्सप्लोर करें, अंदरून में मोची गेट आपको लाहौर के अंदर ऐसा ऐसा खाना मिलेगा जो आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं खाया होगा। कढ़ाइयों के हवाले नाल भी तो पाकिस्तान पूरी दुनिया ही मशहूर है, बकरे की हो गई, चिकन की हो गई, फिर उस बाद दुंबे की हो गई, मटन की हो गई, उस बाद बीफ की हो गई, सारिया कढ़ाइयों के भी पाकिस्तान मशहूर है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, बिरयानी है, बिरयानी के अंदर खाली बॉम्बे मशहूर है इंडिया का, जिसकी वजह से बिरयानी जो इन्वेंट हुई है, लेकिन जो अगर हम बात करें ना कढ़ाई का जो मजा था वो फिर लाहौर का ही अपना ही मजा है। लाहौर का अपना लाहौर एक फील देता है यार, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ये हम लोग इस टाइम समनाबाद में खड़े, ये इतना फील नहीं है जितना प्योर लाहौर जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो मेरे घर वाले मेरे वालिद मुझे बताते हैं कि जो असल लाहौर है वो पहले अंदरून लाहौर था, बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे जाओ तो ऐसी फील आती है कि यार ये पुराने जमाने का लाहौर यही है, और वहाँ का स्ट्रीट फूड मुगल जमाने की बनी इमारतें जैसे शाही किला हो गया, बादशाह मस्जिद होगी, वजीर खान मस्जिद होगी, उसके सामने जो फूड पॉइंट है ना यार, मैं इतना ही कहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को ना खाली फूड और क्रिकेट के रिलेटेड बॉर्डर्स को ओपन कर दें, क्योंकि खाने पीने का और स्पोर्ट्स की कोई बॉर्डर नहीं होता, इंडिया वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले इंडिया, इस तरह हमारा भाईचारा भी बनेगा, इंडियंस भी हमारे भाई हैं और हम हमारे वधिया काम है। फिर उस तो बाद वड़ा पाओ का बड़ा सुने है कि वड़ा पाओ बंद के जिमें इतने असी शामी वड़ा पाओ का बड़ा सुने है कि वड़ा पाओ बंद के जिमें इतने असी
शामी वाला बंद बर्गर खाने हैं, ठीक है, शामी अंडे वाला उमें वो वड़ा पाव बेचते गए हैं, लेकिन उनके अंडा नहीं लाते, उनके टिक्की रख के नाल मिर्चा मुर्चा इंज कुछ ग्रीन चटनी वगैरह देंगे ने, वो टेस्ट करना चाहते हैं उधर के भठूरे। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ा है जी इतने नहीं मिलती है, स्पैशली जिमें चावल कहें राजमा राइस, ठीक है, तो यहोजी चीज़ा असी भी टेस्ट करना चाहते खाना चाहते कि वह चीज़ों का की टेस्ट है। तो जे इंडियन भाई है वो जो पाकिस्तान आते हैं तो वो साढ़े खाने खा के बड़ा ही खुश होंगे ने कि यार पंजाब विच की वधिया खाने लभदे है। बहुत मेहरबानी भाई जी, बहुत पसंद करते हैं, तो इन्हां दी की ख्वाहिश है कि इंडिया जाके की खाना पसंद करते हैं? पहले तो गल मैं करांगा पाकिस्तानी, पाकिस्तान के फूड खाए हमने तो हाँ पाकिस्तानी फूड खाए, इंडिया के फूड तो सानू पता ही ना कि दिखे जिंदे हूँ 30 साल उम्र हो गए, 30 साल तो बाद असी गए ही नहीं उत्थे इंडिया दे। देखो इंडिया दे जो जावांगे तो पता चलेगा इंडिया का फूड केड़ा केड़ा सही है, लेकिन असी वीडियो तो वेखने हैं, वीडियो च देखो उन्होंने दी एक पानी पूरी बड़ी चलती है, वह दिल करता कि अक्सर उन्होंने अपनी मूवियों से पानी पूरी करते हैं, वो समय वो एक एक और तो एक होर दो चीज़ा उन्होंने पानी पूरी ज़्यादातर मैं वो पीन खाने तो दिल करते, पानी पूरी है की चीज़ है, तो अजक उन्होंने एक डोली चाय वाला बड़ा मशहूर है, वह पीन तो दिल करती दुद्ध चाय, तो पाकिस्तान से तो तुम गल करो पाकिस्तान से साढ़े दिल करता कि सब कुछ खाई जाइए, पाकिस्तान खासकर लौटते चो तो हर चीज़ करता कि दिल खाई जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के फूड बड़े मजेदार और इंडिया के फूड नहीं दे, हाँ इंडिया के पंजाब के खासकर पंजाब का साग जो है साग तो मक्खन तो यह चीज़ा खाने इंडिया के पंजाब का यह खाने का मजा। बहुत मेहरबानी भाई, ये इंडियन होंगे ने यार वेख्या जाए तो पाकिस्तानी ज़्यादा शौकीन होंगे ने खाण पीन के, तो उसने वेख्या जिन्हें लौट नहीं वेख्या उन्हें कुछ तकिया नहीं, ठीक है, जिन्हें लौट का खाना नहीं चखिया उन्हें कुछ भी नहीं चखिया, ठीक है, जिरा लौट का खाना ना यार तुम वेख्या पाकिस्तानी फूड जिरा है ना तो इंसान टुट के पैंता, बट वेख लो बटा वेख लो, ठीक है, राइया वेख लो कहें राई हो प्याज प्याज पैंदे ने, बट हो कढ़ाई पैंदे ने, ठीक है, लोड़ दा यार मैं कहना पाकिस्तान दा फूड भाई मजा, कोई शक नहीं गा कि जिन्ना मुंबई हो गया दिल्ली हो गया, ठीक है ना, गुजरात हो गया ना, जिहड़े सब्जियां दी दालां वगैरह हो गया, उस तो बाद सैंडविच हो गए, उस तो बाद नवी तो नवी शह बना रहे होंगे ना, यकीन मैं वीडियो वेख रहे ना मुँह तो पानी लाला निकली होंगे कि यार है कि लोहड़ी च इस तरह की चीज़ा नहीं मिलती, लोहड़ी चो कढ़ाई हो गई, ठीक है, दालां, ठीक है ना, आ ला के इस तरह की मिलती है, पर जो इंडिया का यह चीज़ा वीडियो वेखिया ना पर टेस्ट असी नहीं किया है, बड़ा नाम भी बड़ा सुनया जिस तरह के चाय वाला हो गया, ठीक है, डोली चाय वाला हो गया, उनका भी नाम इन्ना सुनया, यकीन मानो बिल गेट्स वाला बंदा उनके को आके चाह पी के गया, ठीक है ना, इस तरह की काफ़ी उन्होंने चीज़ा है, ठीक है ना, उनके भी मक्खन पाते हैं, ठीक है ना, पनीर पाते हैं, मज़ा आता वेख के यार, टेस्ट भी दिल भी करता कि यार असी भी ऐसी तरह साढ़े दोवें हमसाया मुल कि जोड़ा प्यार मुहब्बत हो वीजे खुले हो तो वे इधर आन असी उधर जाइए, ठीक है, असी खाना टेस्ट करिए उधर दे लोग उधर दे लोगों मिलिए उधर दे सिटीज़ नू वेखिए, बड़ा मजा है यार, पर चीज तुसी वेखी होवे वीडियो दे विच कि तुहाडा दिल कीता होवे कि यार है पाकिस्तान च मिलदी ते असी भी खांदे, उन्हां दी मैं दे वेखियां बड़ियां शैवां वेखियां, मगर एक डोसे नां दी शै है वो सुनीए कि बड़ी लजीजा ते बड़ी चंगी शै है कि वो खाण दी करदा दिल के चैक करिए एक बारी कि की शै है वो। हाँ जी, मेरा कहण दा मतलब यही सी कि यार जिहड़ा ना पाकिस्तान दे जिहड़े लोग ने वो पाकिस्तान दीयां चीज़ां नाल प्यार करते हैं, इंडिया दे लोग इंडिया दी चीज़ां नाल प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान दे विच रह के भी लोग वीडियोज़ दे विच वेख के या मुख्तलिफ चैनल दे वेख के या सोशल मीडिया दे ज़रिए वेख के इंडिया दी काफ़ी चीज़ां नूं पसंद करते हैं कि काश बार्डर खुले होंदे असी भी जा के उत्थों दीयां चीज़ां ट्राई करदे, उत्थों जिहड़ा अजकल मुंडा है कि जिहड़ा ना वो चाय वाला मशहूर होया है, फिर उस बाद एक बाबा जी है ने वह पता नहीं कुछ चीज़ा बनाते हैं डोसे नाम दियाँ चीज़ा ने, वो उतों इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बाहर बना के लोगों को खवाते हैं, कुड़ियों मुंडिया उ लाइना लगिया होंदिया ने, तो लोग बड़े शौकीन ने उतों दिए खाने के, तो साडा भी दिल करता है कि असी जाके खाइए, तो साढ़े बनाने का मकसद यही सी कि यार असी एक दूजे को खाने दी चीज़ों इतों बह के भी सपोर्ट करिए। यार एक बाबा जी है ने तुम वेखी होने उनकी वीडियो भी, बाबा जी भी बड़ी वायरल ने इंडिया की, मेरे ख्याल किसी यूनिवर्सिटी पता नहीं किसी कॉलेज खलोक वे बाहर गेट तो बनाते हैं, किन्ना वड्डा रश होंदा उत्थे यार, कोई शक नहीं गा यूनिवर्सिटी के बाहर उन्होंने मुंबई की यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, मैं वीडियो वेखी भी है और बाबा एक छोटे ढेले से ला के, ठीक है, रेहड़ी से ला के इन्ना रश लाया होंगे कि वह कभी पनीर के नाल सैंडविच बना रहे होंगे ने, कभी कुछ बना रहे होंगे ने, यकीन मनो इन्ना मज़ा आंदा वेख के, वो जो साडे पाकिस्तान रेस्टोरेंट नहीं चाहे चीज़ा मिलती हैं, वह एक ढेले के ला के इन्ना रश ला के बैठे होंगे और उही मिकदार उही टेस्ट
थोड़ा ज्यादा अच्छा टेस्ट होएगा जिद तो रश लगेगा। हालांकि प्राइस भी कोई पैसा भी नहीं इन्ने ज्यादा, ठीक है ना। पाकिस्तानी मैक्सिमम 100-200 रुपया, उधर इंडिया का 100 रुपये का सैंडविच मिलता पे, तो 200 का है, वही जरा पाकिस्तान सैंडविच मिलता 700 का 1000 का, तो उनके अंडा है पाकिस्तान ने की करते अंडा पाता, ठीक है ना, चिकन पाता, चलो जी उन्हें पैक करता। इंडिया तो ढेले ढाबे थोड़ा ला के की करता है, पनीर पा रहे, ठीक है ना, कैचअप, उस तो बाद पूरा मक्खन, ठीक है, अंडा, चिकन, पूरा प्रोपर ही करके सैंडविच टाइप का बना के दे रहा होंगे कि ना मज़ा आ जाता वेख के। हाँ जी, राय तुसी मुकम्मल वेख लीए, तो गलबात लंबी हो गई सी, चार तो पाँच बंद को असी राय लै सके हैं। टॉपिक कोई भी होवे, क्रिकेट का होवे, फिल्म का होवे, या कोई खाण पीण का होवे, पाकिस्तानियों को पुछिए या वीडियो असी वेखने इंडिया को पुछिए, तो असी एक दूजे के बारे चंगी राय रखने हैं। तो तुसी अपनी राय देने वास्ते कमेंटा च जरूर दसना है। तो नवे वेखन वाले यार लाइक कमेंट शेयर मेरे चैनल को कर दिता करो, तो ये कि पैसे लगते हैं। तो अगली वीडियो तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।